हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एबी स्टूडियोज टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक वायरलेस माइक की, बट उससे पहले कुछ माइक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कुछ टाइम से मैं एक डिसेंट और बजट में आने वाला वायरलेस माइक की तलाश में था, तो मेरा फर्स्ट चॉइस जो था वो जा रहा था दोस्तों रोड के वायरलेस गो 2 के ऊपर, या फिर मैं सोच रहा था कि DJI का लेटेस्ट और अपडेटेड जो वायरलेस माइक आया है उसे मैं परचेस कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही माइक्स मेरी बजट से बाहर था। फिर फाइनली मुझे मिला है दोस्तों मिराफाग ऑडियो सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये है मिराफाग ऑडियो सिस्टम, और ये दोस्तों मिलता है आपको मोज़ा की तरफ से, मोज़ा या फिर गुडसन मोज़ा जिसे हम जानते हैं। और मोज़ा दोस्तों फेमस है अपने बेसिकली गिम्बल्स के लिए, या फिर चाहे आप DSLRs की बात कर लें, मिररलेस की बात कर लें, या फिर मोबाइल्स की बात कर लें, ठीक है, तीनों ही प्रोडक्ट के लिए वो गिम्बल्स बनाता है। ट्राईपॉड भी आता है मोज़ा का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मोज़ा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों अपने सेगमेंट में। तो फाइनली जैसे कि DJI कंपनी जो कि ड्रोन्स के लिए फेमस है, उसने भी अपना एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम अनाउंस कर दिया, वैसे ही मोज़ा का भी दोस्तों। वैसे ये प्रोडक्ट थोड़ा पुराना है, ऑल्दो एक आध साल पहले आई गेस ये लॉन्च हो चुका है, तो हमने इसे दोस्तों किया है परचेज़। तो ये फटाफट करेंगे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, देखेंगे इन द बॉक्स क्या क्या चीज़ आपको मिलती है, फिर करेंगे इसका ऑडियो टेस्ट। अनबॉक्सिंग करने से पहले दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल अभी तक मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा था, तो अभी तक मैं यूज़ कर रहा था बोया का जो नॉर्मल माइक आता है दोस्तों, वायर्ड माइक में यूज़ कर रहा था। और वायर्ड माइक दोस्तों मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, एक अच्छी क्वालिटी ऑडियो इससे भी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हैं, स्टूडियो में हैं, वहाँ पर वायरलेस माइक्स बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, इवन चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो नो डाउट आपको रोड या फिर उससे भी जो अच्छे माइक्रोफोन्स के ऑप्शन है वहाँ पर जा सकते हैं। बट अगर आप लो बजट में देखेंगे तो ये बोया का जो ये वायर्ड माइक्रोफोन सिस्टम है, ये बहुत ही बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको देता है। बट मैंने वायरलेस माइक लिया क्योंकि मुझे आउटडोर में भी शूट करना है, और वहाँ पे दोस्तों वायर्ड माइक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो फटाफट मैं इसे करता हूँ अनबॉक्स। तो फाइनली दोस्तों प्रोडक्ट हमारा हो गया अनबॉक्स, और ये अपने सामने देख रहे हैं, ये है मिराफाग ऑडियो सिस्टम। सिंगल चैनल दोस्तों माइक्रोफोन है, इसमें डुअल चैनल का भी ऑप्शन मिलता है, बट मैंने सिंगल चैनल ही प्रेफर किया क्योंकि ये बजट में भी था, और नियरली 10 to 11,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। और अगर आप छत्तीसगढ़ या आसपास के शहरों में रहते हैं तो इसे परचेस करने का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस माइक्रोफोन को लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हो गया है ओपन, और सबसे पहले ये ब्लैक कलर का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, इसे मैं फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कैरी केस, और आई गेस कैरी केस के अंदर ही बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। वैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोस्तों वो ऑलरेडी बाहर है, और पहले देखते हैं इस कैरी केस में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओके, काफ़ी सारा चीज़ है ऐसा मुझे लग रहा है, आराम से निकाल लेते हैं, वन बाय वन हर एक चीज़ को देखेंगे। ये दोस्तों एक केबल, 3.5 mm जैक वाला केबल है, देखते हैं साथ में, और कुछ नशे की पुड़िया जो हर एक पैकेट में रहता है। इसके अलावा है दोस्तों Type-C to Type-C चार्जिंग केबल, एक तरफ है USB, दूसरी तरफ है Type-C चार्जिंग केबल, और एक ही USB से दोनों ही Type-C चार्जिंग केबल कनेक्टेड है, जो कि अच्छी बात भी है और जो भी है अच्छी बात है, एक ही केबल आपको लगेगा दोनों ही यूनिट को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा एक और 3.5 mm जैक इस रख दें साथ में, साथ में है दोस्तों एक और ये माइक्रोफोन, ये आई गेस ठीक है, ये आई गेस लेवलियर माइक्रोफोन है दोस्तों, जिसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये माइक्रोफोन दोस्तों यहाँ पे लगने वाला है, या फिर शॉर्ट में या फिर कॉलर में कहीं भी आप माउंट कर सकते हैं, बट अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है माइक्रोफोन यूज़ करने के हिसाब से। और अगर आप लेवलियर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नॉइज़ रिडक्शन के लिए ऑफ मिल जाता है, जिसे आप इसके ऊपर माउंट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन इक्विपमेंट के बारे में। तो फाइनली दोस्तों प्रोडक्ट हमारा हो गया ओपन, और ये दोस्तों आपके पास ये है माइक्रोफोन, एक है रिसीवर, एक है ट्रांसमीटर। वैसे दोनों के ऊपर कुछ भी मेंशनड नहीं है, तो इनिशियली आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कौन सा रिसीवर है कौन सा ट्रांसमीटर है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है, यहाँ पे मेंशनड है कि कौन सा रिसीवर है और कौन सा ट्रांसमीटर है। एक बार इसे डेफिनेटली गो थ्रू कर लें अगर आपने पहले अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो। यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही आपको
चार्ज लाइन और रिकॉर्डिंग तीनों के लिए एलईडी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आई गेस ये पावर बटन है, जैसे कि यूज़ करेंगे आप इसे पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जिसमें कि आप रिकॉर्डिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एसडी कार्ड का भी ऑप्शन है, इसमें जो भी दोस्तों रिकॉर्डिंग होगी वो आपके कैमरे में तो होगी, एज़ वेल एज़ इसमें आप एसडी कार्ड लगा के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जस्ट इन केस बैकअप के लिए, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो उसका कोई सलूशन नहीं है दोस्तों, बट अगर किसी वजह से आपका कैमरा ऑडियो रिकॉर्ड करने में फेल हो गया तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा के भी आप इसमें एज अ बैकअप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा टाइप सी केबल के थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लिप मिल जाता है, जिस क्लिप को आप चाहें तो कुछ इस तरीके से माउंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देखेंगे इसमें भी आपको एक यूएसबी टाइप सी का ऑप्शन है फॉर चार्जिंग। इसके अलावा डीबी सेट करने का ऑप्शन है, म्यूट करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, इसमें भी आप चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हेडफोन का ऑप्शन है और एक 3.5mm जैक के साथ लेवल ईयर लगाने का भी ऑप्शन है आई गेस, राइट। और यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है, एक छोटा सा एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा जिसमें जब ये कनेक्टेड रहेगा तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। अब क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा वो इसे कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं। अब मैं फटाफट दोस्तों इस माइक को स्विच करता हूँ। फिलहाल मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ ये है बोया का वायर्ड माइक, ये दोस्तों आता है सिर्फ 1000 रुपये का, और ये माइक है ऑलमोस्ट 10 से 11 हज़ार रुपये का। तो ये चेकआउट करते हैं ऑडियो की क्वालिटी कैसी मिलती है इसके साथ, ठीक है। तो पहले मैं ऑडियो सुन लेता हूँ ताकि मैं आपको बाद में बता सकूँ कि कैसा ऑडियो आता है इस माइक्रोफोन को यूज़ करने के बाद। सो फाइनली दोस्तों माइक्रोफोन हमने कर लिया है चेंज, और आप जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये ऑडियो मीरा फाक के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऑडियो क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी ऑडियो को सुन चुका हूँ और मैंने चेकआउट किया है, और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो ऑडियो क्वालिटी में देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत चेंज ऑब्वियसली है साउंड क्वालिटी में, बट इतना ज़्यादा चेंज नहीं है जितना कि प्राइस में डिफरेंस आता है। अब प्राइस में डिफरेंस हो तो वो है जो वायर्ड माइक है हमारा बोया का, वो लगभग 1000-1200 रुपीज़ में मिल जाता है, और ये माइक दोस्तों बीइंग अ वायरलेस माइक लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये में मिलता है। तो प्राइस का आप डिफरेंस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, बट क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अब क्योंकि ये इस माइक की यूज़बिलिटी वायर्ड माइक से ज़्यादा है, क्योंकि इस मतलब बीइंग अ वायरलेस माइक आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और वायर्स का कोई भी झंझट आपको नहीं पालना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। ऑल्दो मैंने रोड का भी माइक यूज़ किया है, DJI का माइक मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ वैसे फ़ीचर्स भी आपको मिलते हैं, वैसे क्वालिटी भी आपको मिलती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक वॉइस क्वालिटी मैटर नहीं करता है। जैसे कि इसमें आपको सी टाइप चार्जिंग मिल जाता है, इनबिल्ट रिकॉर्डर मिल जाता है, आप एसडी कार्ड लगा कर भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही माइक्रोफोन का प्राइस बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में था दोस्तों इतना ही। आई होप आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो बंद करने से पहले मैं इस माइक्रोफोन के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसमें दोनों में ही रिसीवर और ट्रांसमीटर में दोस्तों अलग अलग कैपेसिटी की बैटरी मिलती है आपको, और लगभग दोस्तों इसका जो फुल चार्ज होने का जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्स 80 मिनट्स का है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट के अप्रॉक्स आपको टाइम लगने वाला है इसको चार्ज करने में। और इसका जो बैकअप है दोस्तों वो लगभग 3 से 4 घंटे तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और इसका जो रेंज है दोस्तों वो अप्रॉक्स 30 मीटर्स के आसपास है। और तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है अभी तक, बट फिलहाल जो स्पेसिफिकेशन मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये छोटा सा हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए, और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।